नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति कृष्ण में। आज हम आपको ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएगा। ये हमारा ब्लाउज का अस्तर है और ये कपड़ा है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच तैयारी रखना है। हमने 14 इंच में निशान लगाए हैं। 32 साइज का ब्लाउज बनेगा। चौथाई भाग हमने 8 इंच लिए हैं। शोल्डर 5.5 इंच है। आर्म होल 6 इंच है। गले का कटिंग करना है तो वो हमें बकरम पे कटिंग करना है। ये हमारा बकरम है। बकरम की लंबाई 12 इंच है। चौड़ाई 5 इंच है। अब यहाँ हमें 3 इंच पे निशान लगाना है गले की। यहाँ हमें 11 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। अब हमें गले का डिजाइन बनाना है। यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से मिला कर खींच लेना है। अब इसको हमें गुलाई में लेना है। अब इसको इस तरह से हमें डिजाइन बनाना है। इस तरह से हमने गले पे निशान लगा लिए हैं। अब इसे हमें बाहर से निशान लगा लेना है। ये 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसे हम मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो सबसे पहले हमें बाहर से कटिंग करना है। अब हमें अंदर से कटिंग कर लेना है। ये हमने इस तरह से गले का कटिंग कर लिया है। अब इसे हमें कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। ये हमने गले पे पेस्ट कर लिया है। ये सीधी साइड है। अब इस अस्तर को हमें इसमें सिलाई कर देना है एक साथ। ये हमने अस्तर के साथ कपड़े को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हमें सेंटर मिला लेना है। ये हमने सेंटर मिला लिए हैं। इसी तरह इसमें भी सेंटर मिला लेंगे। इस सेंटर को इस सेंटर से मिला लेंगे। सीधी सिलाई कर लेंगे हम। अब ये गले के किनारे से हमें सिलाई कर लेना है। ये जो बकरम है बकरम के किनारे से सिलाई कर लेंगे। ये डोरी है। इस डोरी को इस अंदर में डालेंगे। इस नोक के बराबर हमने डाले हैं डोरी को। इसी तरह दूसरे साइड भी हमें ये डोरी डाल के पलट लेना है। ये हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। फिर इस साइड से कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये हमने गले के कपड़े को कटिंग कर लिया है। अब ये साइड साइड से कट का निशान लगा देंगे। अब इसे हम पलट लेंगे।
इस गले के किनारे पे सिलाई करेंगे। ये हमने इस तरह से गले के किनारे पे सिलाई कर ली है। अब इसके अंदर हमें डिजाइन बनाना है। ये हमारा दो रंग का कपड़ा है, 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई है। अब इसका हमें डिजाइन बनाना है। तो ये कपड़ा है, इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरीके से बन जाएंगे ये डिजाइन। अब इसको हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह दूसरे कपड़े को भी हमें डिजाइन बना लेना है। इसी तरीके के हमें सारे डिजाइन बना लेना है। ये हमने इस तरीके से सारे डिजाइन बना लिए हैं। अब इसे हमें सेट करना है। इसको इस तरह से रखते हुए हमें सेट कर लेना है। इसी तरीके से हमें पूरे गले पे डिजाइन को सेट कर लेना है। ये हमने इस डिजाइन को लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें लैस लगाना है। तो ये लैस है, इसको इस तरह से हमें रख लेना है। इसको इस तरह से घुमाते हुए हमें लगा लेना है। ये हमने इस तरह से लैस लगा लिए हैं। अब नीचे हमें फूल बनाना है यही डिजाइनों का। ये जो फूल है इसमें हमने 10 पट्टी ली है। अब इसको इस तरह से हमें गूंथ लेना है। ये सुई धागा है। ये जो सेंटर है इसके सेंटर में हमें लगा लेना है। इस तरह से हमें सेट कर लेना है। ये नीचे के कपड़े को पकड़ते हुए हमें सिलाई कर लेना है। ये फूल हमने इस तरह से लगा लिए हैं। ये दूसरा पट्टी है, इसमें 8 फूल दिए हैं। इसको इस तरह से हमें गूंथ लेना है। ये नीचे वाले फूल पर बैठाते हुए हमें इस तरह से सेट कर लेना है। ये हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हम बटन बना के लगा देंगे। तो ये बटन हमने बना लिए हैं कपड़े डाल के। इसको इस तरह से रख के हमें टेक लेना है। इसी तरीके से हमें टेक लेना है। अब इसके ऊपर हमें मोती लगाना है। इस तरह से मोती रख रख के इन सभी फूलों पे हमें मोती लगा लेना है। ये मोती हमने सारे डिजाइन पे इस तरीके से लगा लिए हैं। ये डिजाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिजाइन आपको कैसा लगा। और डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए डिजाइन के ब्लाउज आप तक पहुँचती रहे।